हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम डेकोर बाय शिल्पा। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे चैनल पर लिपन आर्ट से रिलेटेड वीडियोस आते हैं, बट आज हमने कुछ अलग सा करने का सोचा है। तो ये हमने एक बेडशीट को बनाने का ट्राई किया है। आज बेडशीट को मैंने एक कपड़े को मार्केट से प्रिंट करवा लिया है। प्रिंट करवाने के बाद मैंने इसमें एक हुक को अच्छे से फिक्स कर दिया है। ये फिक्स इसलिए किया है ताकि हमारा कपड़ा बिल्कुल टाइट हो जाए और पेंट अच्छे से स्प्रेड हो जाए। अब इसमें मैं पेंट कौन से ले रही हूँ, फेविक्रल के फैब्रिक कलर्स सॉफ्ट। इससे क्या होता है, हमारा कपड़ा जो है वो हार्ड नहीं होता और अच्छे से हमारा वॉश के बाद भी कपड़ा सॉफ्ट रहता है। जो हम एमडीओ बोर्ड पे करते हैं पेंट, वो फेविक्रल के एक्रेलिक कलर्स होते हैं, बट वो हार्ड होते हैं थोड़े। तो हमने कपड़े के लिए दूसरे वाले फैब्रिक कलर्स, सॉफ्ट वाले कलर्स का यूज़ करना होता है। तो आप देख सकते हैं हमारा हुक बिल्कुल टाइट है और इसमें पेंट अच्छे से हमारा स्प्रेड हो पा रहा है बिना कोई प्रॉब्लम के। अच्छे से हमने इसके पहले आउटलाइन करनी है, उसके बाद हमने इसमें कलर को फिल करना है। तो इसमें आज मज़ेदार बात यह है कि हम आपको एक्रेलिक मार्कर से भी पेंट करना सिखाएंगे बेडशीट के अंदर, कपड़े के अंदर। ये तो फेविक्रल के फैब्रिक कलर्स हैं, बट मार्कर जो होते हैं फेविक्रल के, एक्रेलिक मार्कर, उनसे भी मैं आज आपको सिखाऊंगी डिज़ाइनिंग हम अपनी कैसे बना सकते हैं कपड़े पे। और आप जितना मर्जी वॉश कीजिए बिल्कुल भी कलर नहीं जाएगा, बहुत ही अच्छे कलर्स हैं और इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने अब अपना येलो कलर किया है। अभी मैं दो कलर यूज़ कर चुकी हूँ, रेड एंड ऑरेंज, नेक्स्ट मेरा येलो है। इसके बाद लीव्स आएंगे, लीव्स में हम करेंगे ग्रीन कलर। तो आप देख सकते हैं कितने आराम से मैं यहाँ पे कलर्स को कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने हुक की हेल्प से अपने पूरे कपड़े को स्ट्रेट किया हुआ है, टाइट किया हुआ है। अब यहाँ पर वाइट पेंट का भी हमने यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने आउटलाइन ब्लैक पेंट से किया है और जो बीच में लीव्स का डिज़ाइन है वो मैं वाइट पेंट से कर रही हूँ। तो अभी तक हमने सिर्फ पेंट का यूज़ किया है, मार्कर का यूज़ नहीं किया। यहाँ पे हमारा पूरा पिलो कवर बनके रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर लग रहा है। अब ये हमारे यहाँ पर आ जाती है बेडशीट। इसमें है हमारे टोटल 8 फ्लावर्स का बंच है, तो 4 कॉर्नर्स में हैं, 4 बीच में हैं। यहाँ पे मैंने पूरा पेंट किया हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक्रेलिक मार्कर्स को यूज़ कैसे करना है। तो इसमें 12 शेड्स हैं आई थिंक, तो इसमें जो भी कलर मुझे चाहिए वो मैं अपने निकाल लूँगी। और अब इसमें मैं ब्राउन कलर का यूज़ करके दिखाऊंगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हम छोटी छोटी जगह पे जहाँ पे हमारा ब्रश नहीं चल पाता अच्छे से, वहाँ पर हम पेंट ब्रश और पेंट मार्कर की हेल्प से अच्छे से कर सकते हैं। आउटलाइन भी कितना आराम से और कितनी सफाई से हम मार्कर की हेल्प से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना आराम से हो रहा है और इससे काम जल्दी भी होता है। और जितना मर्जी आप वॉश कीजिए ये बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे, परमानेंट फिक्स मार्कर्स होते हैं ये। एक्रेलिक मार्कर्स इसीलिए होते हैं, जैसे एक्रेलिक कलर्स परमानेंट कलर्स होते हैं वैसे ही एक्रेलिक मार्कर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक और ब्राउन का यूज़ करके दिखाया है, अब मैं वाइट का भी यूज़ करके दिखाऊँगी। तो आप देख सकते हैं पेंट से इतना फास्ट काम नहीं हो पाता, बट हमारा मार्कर से कितना फास्ट और सफाई से काम हो जाता है, तो इसलिए हम मार्कर्स का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आराम से मेरा मार्कर की हेल्प से पूरा पेंट हो रहा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे चैनल पर लिपन आर्ट से रिलेटेड बहुत वीडियोज़ हैं, वो जाकर विज़िट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।